सलाम अलैकुम, दिस इज़ कासिम अली आसिफ फ्राम एनएम एसोसिएट्स। वेलकम टू एनएम एसोसिएट्स प्रॉपर्टी टूर। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत 7 मरले का घर लेकर आए हैं M7A में। आए आपको सबसे पहले इसकी फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं टाइल वर्क भी किया हुआ है, मोज़ेक वर्क भी किया हुआ है और मर्क्यूरी ग्लास लगाया गया है। इधर आपको गार्डन एरिया मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरती से गार्डन एरिया को मेंटेन किया गया है। ब्लैक एंड गोल्डन कलर के शेड में आपको गेट दिया गया है, साथ आपको लैंप्स दिए गए हैं बहुत ही खूबसूरत। नीचे देखें तो काफ़ी खूबसूरत टाइल्स हैं। इस तरफ आपको सीढ़ियाँ दी गई हैं ऊपर जाने के लिए, और इधर आपको स्टीप टाइल्स के साथ फ्लोर मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लोरिंग है। अंदर आएँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस गैरेज है, जिसमें इजीली एक सेडान कार बड़ी खड़ी हो सकती है। इधर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत टाइल्स लगाई गई हैं, डबल स्टाइल टाइल्स लगाई गई हैं और आर्टिफिशियल ग्लास लगा के डिज़ाइन किया गया है। मर्करी ग्लास की विंडो मिल जाती हैं आपको काफ़ी स्टाइलिश, और बहुत ही खूबसूरत टाइल्स मिल जाती हैं आपको बेस पे। सामने आपको रॉक स्टाइल टाइल्स मिलती हैं, और साथ ही आपको वुडन स्टाइल टाइल्स और बहुत ही खूबसूरत आर्टिफिशियल डिज़ाइन ये मिल जाता है। ट्रिपल एंट्रेंस आप देख सकते हैं, लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं काफ़ी खूबसूरत। इधर से ऊपर जाने का रास्ता है ये ड्राइंग, और ये मेन एंट्रेंस। वो फॉल सीलिंग दिखाएँ तो काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत सिरेमिक डिज़ाइन बनाया गया है। अंदर एंटर होते हैं, चलिए ड्राइंग रूम से ये डोर दिखाते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत डोर है, वुडन शीट्स यूज़ की गई हैं काफ़ी खूबसूरत किस्म की। अंदर एंटर हो तो आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत ड्राइंग एरिया, जिसमें काफ़ी खूबसूरत किस्म की टाइल्स लगाई गई हैं आप देख सकते हैं। साथ में काफ़ी खूबसूरत किस्म का वॉलपेपर लगाया गया है, और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत चिप्स पेंट किया गया है। ऊपर फॉल सीलिंग की गई है, और इसमें LED लाइट्स भी लगी है, गोल्डन टच दिया गया फॉल सीलिंग को। काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन लगाए गए हैं, मर्करी ग्लास जिसमें अंदर से नज़र आता है, बाहर से नज़र नहीं आता लगाया गया। इधर आपको वुडन डोर मिल जाता है, जिसमें टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है डिज़ाइन के साथ, काफ़ी खूबसूरत। अंदर चलिए तो आपको सबसे पहले इसका व्यू दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मेन डोर काफ़ी खूबसूरत है। इधर आपको TV लाउंज मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस TV लाउंज है, जिसमें अंडर के स्टेयर के स्टोरेज एरिया भी दिया गया है। ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है, ऊपर काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग की गई है। और इधर सामने आपको मीडिया वॉल मिल जाती है काफ़ी खूबसूरत किस्म की, जिसमें ग्लास यूज़ किया गया है काफ़ी मोटा थिक, और बैक पे मीडिया वॉल पे आपको वुड मिल जाती है। इधर आपको किचन मिल जाता है, स्पेशियस किचन है, जिसमें ड्रॉर्स और रैक्स यूज़ किए गए हैं आप देख सकते हैं। टेक्टाइल्स की वुडन शीट्स यूज़ की गई हैं काफ़ी खूबसूरत किस्म की, सेंसर ऑपरेटेड हुड लगाया गया है। साथ ही आपको कैनन का स्टोव मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस किचन है। आगे चलते हैं तो इधर आपको थोड़ा सा ओपन एरिया मिल जाता है, जिसको काफ़ी खूबसूरती से मेंटेन किया गया है, और काफ़ी खूबसूरत टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं, और ऊपर तक इसको मेंटेन किया गया और बहुत ही खूबसूरती से जगह को यूटिलाइज़ किया गया है, आर्टिफिशियल ग्लास लगा के और आर्टिफिशियल पौधे लगा के। इधर आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, अगेन वेरी स्पेशियस बेडरूम, काफ़ी खूबसूरत बेडरूम है। बेड वॉल पे अगेन आपको सिरेमिक और पेंट, काफ़ी खूबसूरत पेंट मिल जाता है, जिसमें डिज़ाइन बनाया गया है। और ऊपर आपको वॉल हैंगिंग लैंप्स, LED लाइट्स, ऊपर आपको फॉल सीलिंग में और फॉल सीलिंग मिल जाती है। इधर आपको प्रॉपर वार्डरोब मिल जाती है, फुल वार्डरोब, साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें आपको वैनिटी मिल जाती है, मिरर मिल जाता है, LED मिरर है, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत LED मिरर है। वॉल हैंगिंग कमोड मिल जाता है, और वॉल हैंगिंग आपको शावर मिल जाता है काफ़ी खूबसूरत। इधर आप देख सकते हैं आपको सिटिंग एरिया दिया गया है बैक साइड पे, काफ़ी खूबसूरत सिटिंग एरिया, इसको काफ़ी खूबसूरती से मेंटेन किया गया है। सामने आपको एक मिनी स्टोर रूम मिल जाता है, जिसमें आपको वार्डरोब मिल जाती है और स्टोरेज एरिया मिल जाता है। वार्डरोब में रैक्स और हैंगिंग एरिया बनाया गया है बिल्कुल। इसके साथ ही आपको एक और बेडरूम मिल जाता है, आप इधर से भी बैक एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं। सेफ्टी ग्रिल्स प्रॉपर लगाई गई हैं आप देख सकते हैं, उसके अलावा भी पूरा प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। बैक पे आपको वॉशिंग एरिया दिया गया है, आर्टिफिशियल ग्रास से हर जगह पे डेकोरेशन की गई है, ताकि घर खूबसूरत लगे।
पेंट मिल जाता है इस कमरे में, आपको वार्डरोब मिल जाती है, खूबसूरत फॉल सीलिंग मिल जाती है, अटैच वॉशरूम मिल जाता है इसमें आपको, बहुत ही खूबसूरत वैनिटी, अगेन एलईडी मिरर मिल जाता है आपको, काफ़ी खूबसूरत किस्म का यूनिक डिज़ाइन का एलईडी मिरर मिल जाता है आपको, कमोड मिल जाता है और वॉल हैंगिंग शावर मिल जाता है। मूविंग फॉरवर्ड फर्स्ट फ्लोर पे चले इस घर के, उससे पहले आपको टाइल्स का बताएं तो काफ़ी खूबसूरत टाइल्स, ए प्लस क्वालिटी की टाइल्स और इक्विपमेंट यूज़ की गई है, हर चीज़ को पेंट किया गया ताकि घर की खूबसूरती ख़राब ना हो। आपको सबसे पहले एलुमिनियम रेलिंग मिल जाती है और उसके बाद आपको मार्बल स्टेयरकेस मिल जाता है। ऊपर चले तो सबसे पहले आपको एक यूनिक डिज़ाइन में टीवी लॉन्च मिल जाता है, वेंटिलेशन एरिया के लिए ये जगह मिल जाती है, टीवी लॉन्च में मीडिया वॉल मिल जाती है आपको, बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग मिल जाती है। इधर आपको मिनी किचन मिल जाता है जिसमें आपको स्टोव, हुड, वॉशिंग एरिया और काफ़ी खूबसूरत कैबिनेट्स और ड्रॉर्स मिल जाते हैं। इधर आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, अगेन काफ़ी खूबसूरत पेंट किया गया है, फॉल सीलिंग दी गई है, फुल वार्डरोब दी गई है, साथ ही आपको अटैच वॉशरूम दिया गया है जिसमें अगेन आपको वैनिटी उसके साथ स्टोरेज एरिया मिल जाता है, वॉल हैंगिंग शावर मिल जाता है और इसके साथ ही आपको पोटा की एक्सेसरीज, कमोड वगैरह मिल जाते हैं। इक्विपमेंट वॉशरूम की इक्विपमेंट्स, बाकी चीज़ों के इक्विपमेंट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, ए प्लस इक्विपमेंट्स लगाई गई हैं। इधर से आप बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस बालकनी है, आप इधर टी वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं। और बालकनी में इधर बहुत ही खूबसूरत मोज़ेक डिज़ाइन दिया गया है जिसमें अल्लाह का नाम लिखा गया है। सेकंड रूम की तरफ चलें फर्स्ट फ्लोर के, तो आपको इधर एक लॉबी टाइप एरिया से मिलता है राइट साइड पे, जिसमें आपको फुल वार्डरोब, यूनिक फॉल सीलिंग, वेंटिलेशन एरिया, सामने वॉल हैंगिंग लैम्प्स काफ़ी खूबसूरत, वॉल पे काफ़ी खूबसूरत पेंट मिल जाता है और साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत वैनिटी मिलती है और उसके साथ आपको काफ़ी खूबसूरत एलईडी मिरर, शावर एंड पोटा की एक्सेसरीज मिल जाती हैं। थ्रू आउट घर में पोटा और एल्फेसल की एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं सैनिटरी की। इसके साथ ही आपको एक और बेडरूम मिल जाता है, अगेन वॉल पे काफ़ी खूबसूरत पेंट किया गया, फुल वार्डरोब दी गई है, एक्सेसिव वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ दी गई हैं, फॉल सीलिंग विद एलईडी लाइट्स दी गई हैं, अटैच वॉशरूम जिसमें अगेन पोटा और एल्फेसल की एक्सेसरीज, काफ़ी खूबसूरत वैनिटी और आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। वॉशरूम पार्शली टाइल्ड है इस घर के। सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, इस घर के कलर कॉम्बिनेशन, टाइल्स वगैरह की बात की जाए तो काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन और टाइल्स वर्क किया गया है। सेकंड फ्लोर पे चल के आपको लेफ्ट साइड पे स्टोरेज एरिया मिल जाता है जिसको आप सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं, स्टोरेज एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। इधर से आप इसकी छत को एक्सेस कर सकते हैं, मार्बल छत है, छत पे बारबेक्यू ग्रिल दी गई है सिरेमिक की, इधर डिज़ाइन दिया गया है जिधर आप कुर्सियाँ वगैरह रख सकते हैं, वाटर एरिया दिया गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी खुली छत है, काफ़ी स्पेशियस घर बनाया गया है, प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।